हेलो दोस्तों, टेक गौतम में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, सैमसंग ने आज अपना गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वो स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंच की एक HD+ वाली डिस्प्ले मिल जाती है। जी हाँ, HD+। अगर हमें फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस स्मार्टफोन में हमें एक्जीनोस 850 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आप गेमिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको मीडियम में सेट करना होगा। और यह प्रोसेसर काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी है, तो आपका बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। अगर हम कैमरास की बात करें तो इसमें हमें पिक्चर की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें कि मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, और हमें सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और साथ ही साथ 15 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो नो डाउट सैमसंग ने बैटरी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स One UI 3.1 और एंड्रॉयड 11 हमें मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और फेस अनलॉकिंग भी मिल जाता है। और अगर हम कलर्स की बात करें तो ये फ़ोन हमें टोटल 3 कलर्स में मिल जाता है, वाइट, ब्लैक और ब्लू। स्मार्टफोन की अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो ये इस स्मार्टफोन का फर्स्ट सेल 18 मार्च से शुरू हो रहा है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये फ़ोन हमें टोटल 2 वेरिएंट्स में मिल जाता है, 464 और 6128। अगर हम 464 की बात करें तो ये हमें 10999 यानी कि 11000 में मिल जाता है। और अगर हम 6128 की बात करें तो ये हमें 13499 यानी कि 13500 में ये स्मार्टफोन हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आपको कैसे लगी, ये मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बता देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। What we do here is go back.